नमस्कार, आइए इस बात पर प्रकाश डाल लें। इससे पहले एक जरूरी सूचना, जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपके हाथ के बारे में बात कर लूँ। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली, आपका उम्र इस समय 73 वर्ष की है, तो 73 वर्ष के अंदर हाथ की बहुत सारी रेखाओं का अदल बदल जीवन में रहा होगा, इसलिए फलित में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पुराने फलित की रेखाएं हाथ के अंदर नहीं बचती हैं। फिर भी अपनी तरफ से मैं अच्छा प्रयास करूंगा। तो ये देखिए, यहाँ पर आपकी कनिष्ठा उंगली, क्योंकि ये तो हमेशा इतनी ही रहेगी और बिल्कुल सूर्य के पहले पद तक पहुँची है, यानी कि जिस व्यक्ति के हाथ में हाथ देख रहा हूँ वो बहुत ही मेधावी किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत ही सुचारू रूप से सोचने वाले, सही तरीके के साथ करीने से दूसरे व्यक्तियों की बातों को सुनना और उनको जवाब देना, इनके पास ईश्वर के पास से पूरी बुद्धि है। यानी कि ऐसे व्यक्ति की बुद्धि जीवन के आखिरी समय तक अच्छी उत्तम याददाश्त बनाने वाली ये उंगली आपके पास है। अब बात करता हूँ मैं आपको यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। ये सूर्य की उंगली है और सूर्य की उंगली यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो ऊपर के सिरे से शनि की उंगली से मिली हुई है, परंतु बीच का ये गैप बना हुआ है। जब ये गैप बना हुआ होता है उंगली के बीच में सूर्य के, तो ये इस बात को दर्शाता है कि आपके जीवन के अंतर्गत आपको यदि पैतृक संपत्ति रही होगी तो उस पैतृक संपत्ति पर विवाद का सामने के साथ मिला हुआ, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति चाहकर भी किसी ना किसी कारण वजह से अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है जैसी वो चाहता है। अब बात करते हैं शनि की उंगली की। ये शनि की उंगली यहाँ पर वर्तमान स्थिति के हिसाब से बिल्कुल एकदम सीधी खड़ी हुई उंगली है और ऊपर वाले पोरे पर थोड़ी सी हल्की सी लाइन खींची हुई है, यानी कि मैं इस बात को कह सकता हूँ कि इस समय आप अपने आप पर, क्योंकि प्रथम पर्व पर थोड़ा सा जब स्क्रैचेस होते हैं तो व्यक्ति को थोड़ा सा अपना मानसिक रूप से मजबूती रखने के लिए रहनी चाहिए, यानी कि अपने आप पर दो बात सहन करने की शक्ति वर्तमान के अंदर आपकी ख़त्म होती जा रही है, तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। अब बात आ गई आपकी बृहस्पति की उंगली की, एकदम जुड़ी हुई बृहस्पति की उंगली और शनि के साथ, यानी कि जीवन भर सही तरीके से धन कमाना और सही बातों के को अपनाना, ये आपके अंदर ये ईश्वरीय गुण था, साथ ही साथ ईश्वर भक्ति भी ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत अच्छी खासी भरी हुई होती है। अब बात कर लेते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। यहाँ आपकी इंडिकेशंस जो मिला था उंगली का बहुत अच्छा था। वर्तमान में यदि मैं आपका देखता हूँ तो बुध पर्वत आपका कई सलवटों के साथ कुछ उठा हुआ, कुछ गिरा हुआ, कुछ चलता हुआ, तो मैंने ये तो बताया था उंगली से कि आपकी इच्छी याददाश्त है, सब कुछ रहेगी। लेकिन यदि मैं धन की बात करता हूँ इस समय या संतान सुख की बात करता हूँ, कुछ संतान सुख के लिए भी ये रेखा जानी जाती है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है देखने में जैसे कि धन के आगमन बस ठीक है, अपने पास सही जुगाड़ है और उसके अलावा संतान को इतना समय ही नहीं है कि वो आपके आपके लिए सेवाभाव निकाल सके, इस तरह का इंगित करता हुआ आपका ये पर्वत। सूर्य पर्वत की बात करते हैं, सूर्य पर्वत एकदम दबा हुआ है। जब सूर्य पर्वत इस समय एकदम दबा हुआ है तो ये मैं आपको जरूर कहूँगा कि पर्वत ये ऐसा नहीं है कि सारी उम्र इतना ही दबा रहा हो। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं व्यक्ति के पास ऐसी होती हैं जो 60 वर्ष के बाद से पहले बनती हैं और बहुत सारी ऐसी हैं जो मिटती भी हैं, परंतु पर्व यहाँ पर वर्तमान में दबा हुआ है, तो ज़रा आँखों के रोग का और हड्डियों के जोड़ों का रोग का आपको विशेष रूप से इस समय पर ध्यान करना होगा, इस प्रकार को दर्शाता हुआ आपका सूर्य का ये पर्व। यश ख्याति अब आपको नहीं मिलेगी। आज ये बात करते हैं शनि पर्व की। इसका अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये अच्छा है, यानी कि यदि जहाँ से ये आपका वीकेट एंगल बन रहा है यहाँ से आपकी जीवन का जो उदय है वो जीवन है आपका 70वां वर्ष, और 70वें वर्ष के बाद इतनी अच्छी रेखाएँ आपके अंदर खड़ी है, यानी जीवन के अंत समय तक आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, धन से संबंधित समस्याओं का सामना आपके पास नहीं रहने वाला है। अब बात करता हूँ मैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएँ जब मस्तिष्क रेखा से निकलती हैं तो आदमी के अंदर ऊर्जा भरती हैं, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जीवन के अंदर कितनी बार तरक्की प्राप्त करा की होगी इसने, और साथ ही साथ एक से दो भवन व्यक्ति अपनी मेहनत से अर्जित कर पाता है, तो ये आपका यहाँ पर दर्शाता हुआ ये आपका बृहस्पति का पर्व भी है। अब बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा को बहुत अच्छा इंडिकेशंस मुझको ये मिला कि यहाँ पिछले समय में आपको काफ़ी रोगों का सामना रहा होगा जीवन में,
लेकिन जब मैं 70 वर्ष की आयु के पास पहुंचता हूं तो ये निश्चित रूप से बताती है कि आपके पास भगवान की कृपा से इस समय कोई ज़्यादा खतरनाक वाले कोई रोग नहीं आने वाले हैं। मैंने बता दिया आँखों के रोग और जोड़ों के दर्द के थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी तो आयु के अनुसार जो रोग चलते रहते हैं वो है, कोई खतरनाक रोग वाली स्थिति नहीं है। हृदय से आप कुल मिलाकर के ठीक व्यक्ति है। तो चलिए अब बात करता हूँ आपके मंगल पर्व की। ये मंगल पर्व और मंगल पर्व ठीक ठाक यहाँ पर उठा हुआ है, जो इस प्रकार को दर्शाता है कि आज भी आपके अंदर साहस की किसी भी प्रकार से कमी नहीं है। तो ये अच्छे इंडिकेशंस यहाँ पर मिलते हुए, साथ ही साथ बुद्धि रेखा है, बुद्धि रेखा पूरे हाथ के अंदर से जा करके और बिल्कुल चंद्र पर्वत तक पहुँच गई है। चंद्र पर्वत तक बुद्धि रेखा का पहुँचना, साथ ही साथ यहाँ पर एक ट्रायंगल भी बना है, एक ट्रायंगल यहाँ पर बना है, ये अच्छा ट्रायंगल्स के रूप में कहा जाता है क्योंकि इसका भाग्य रेखा से इन्वॉल्वमेंट बना हुआ है। तो यहाँ ये दूर स्थानों से जुड़ करके जीवन में ज़रूर आपका संबंध रहा होगा, क्योंकि नीचे एक चंद्र पर्वत से आकर के एक ही रेखा जो यहाँ निकल रही है, इस रेखा को देखें तो ये जाकर के शुक्र पर्वत के साथ में इसका इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि ऐसा भी आपके जीवन में हो सकता है कि दूर स्थानों से जुड़ करके और हो सकता है कि विदेश से जुड़ करके भी आपका संबंध रहा हो धन के कमाने का। तो ये भी इंडिकेशंस आपके हाथ के अंदर यहाँ पर दर्शित हुआ है, तो ये एक अच्छा इंडिकेशंस रहा। तो कुल मिलाकर के बुद्धि रेखा आपकी बहुत अच्छी है। यहाँ पर मस्तिष्क रेखा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि याददाश्त की किसी प्रकार की कमी नहीं है, आज भी जीवन के अंदर उत्साह पूरा ही है। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। देखिए आपकी भाग्य रेखा, ये आपकी भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा जा करके सीधी एकदम सीधी चली गई है। उससे पहले मैं थोड़ा सा सूर्य पर्व की एक रेखा और है जो सूर्य पर्वत की तरफ भी जा रही है, तो उसके बारे में भी बात कर लेता हूँ, क्योंकि ये सूर्य दूर से जुड़ने वालों के साथ साथ व्यक्ति को कभी कभी राज्य सरकार से इंडिकेशन, यानी अगर अपने जीवन में आपने निश्चित रूप से जब सरकारी नौकरी मिलने के योग होंगे और आपने प्रयास किया होगा तो निश्चित रूप से आपको सरकारी नौकरी मिलने के भी योग आपके जीवन के अंतर्गत आए होंगे। तो ये यहाँ पर दिखाने वाली रेखा भाग्य रेखा कुल मिलाकर के अनुकूल रेखा ही मेरे हिसाब से ये रही है, एक त्रिकोण बना करके गई है, तो ये अच्छा वाला त्रिकोण बना करके गई है। तो जीवन में नौकरी से धंधों से संबंधित कोई विशेष समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ा होगा। जीवन थोड़ा बहुत तो उठा पटक सभी के साथ होती है, वो कोई विशेष बात नहीं है। अब बात कर लेता हूँ मैं आपकी यहाँ सीधा सीधा शुक्र पर्वत की। शुक्र पर्वत और यहाँ बहुत ही ज़्यादा शुक्र पर्वत एकदम शाइनिंग के साथ में जुड़ा हुआ है। जब शुक्र पर्वत शाइनिंग के साथ में जुड़ा होता है तो ईश्वर कृपा यह है, इस उम्र में आकर के शुक्र लोगों का ढलवा हो जाता है, परंतु आज का आपका इतना शाइनिंग है, इसका मतलब यह है कि आज भी जीवन की जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा शुक्र से संबंधित चीज़ों से आप आज भी जुड़े हुए हैं, और अच्छा सुख साधन में रहना, साफ सफाई के साथ रहना, ये दर्शाने वाला शुक्र जब पिचक जाएगा तो व्यक्ति के जीवन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। तो चलिए बात करता हूँ आखिर में आपकी आयु रेखा की। ये आयु रेखा और वर्तमान के अंदर यदि मैं हाथ को आपकी आयु रेखा देखता हूँ तो अभी आपकी आयु रेखा 84 ईयर्स तक की बनी हुई है, आगे भी ये रेखाएँ बन जाती हैं, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ 84 वर्ष की आपकी आयु रेखा अभी हाथ के अंदर बनी हुई है और आगे भी ये रेखा बढ़ जाती हैं, तो आयु रेखा भी आपके पास अच्छी है। तो कुल मिलाकर के सारा पर्वतों को, रेखाओं को, सब चीज़ों को मैंने पढ़ा और मुझे बस थोड़ा सा लगा वो ये लगा कि कुछ घुटनों के रोग, कुछ जोड़ों के रोग और कुछ साथ ही साथ में आपको जो है आँखों के रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी पूजा में रोजाना एक तो रुद्राष्टकम जोड़ दीजिए, साथ में आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी आप निश्चित रूप से करें, और यदि एक मूंगा आप यहाँ पहन लें इस उंगली के अंदर तो आपको बहुत ऊर्जित रहेगा, बहुत फलित रहेगा, आपको रोगों से, जोड़ों के दर्द से, कष्ट से, इन सब चीज़ों से बचाएगा और ऊर्जावान रखेगा। तो मूंगा आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हमसे भी पर्याप्त कर सकते हैं, आपको हम रिंग बना करके आपके पास तक पहुंचा भी सकते हैं। तो बस ये पूजा कीजिए दो और साथ ही साथ ये सब कर लीजिए। तो ये आपके पास में कुछ रेखाएँ रही हैं जो जीवन में कुछ व्यापारिक चीज़ों के साथ जुड़ने के संबंध भी मिले होंगे, तो ये सब चीज़ें मैंने आपके हाथ के बारे में सब रेखाएँ पर्वों को बताया। संतान से सुख क्यों मैंने बताया, संतान को आपको जो है इस समय वर्तमान में समय न मिलने के कारण ही ऐसा होगा, वरना संतान आपकी सहयोगात्मक है। तो
तो कुल मिलाकर के सारी रेखाएं प्रभु को मैंने पढ़ा, आशा करता हूँ आपको मैं संतुष्ट कर पाया हूँ। नमस्कार।